हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल 5 पीएस की और टॉर्क है इसका 18.7 न्यूटन मीटर का, डिजिटल प्लस एनालॉग, वो फुल डिजिटल है, देख सकते हो। इसमें हैजर्ड स्विच कंपनी फिटेड नहीं आता है, इसमें आता है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे ही होंगे और अच्छे भी होने चाहिए। तो फाइनली गाइस, आज हमारे साथ है वेनम प्लस बैटमैन R15 V4 प्लस RS 200। तो गाइज, आज हम इनका फुल कंपैरिजन करेंगे। एक एक चीज़ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ये मेरे फ्रेंड की बाइक है। तो गाइज, आज की वीडियो में आपको पूरी डिटेल दूंगा, इनकी क्लच से लेके इसके गियर तक एक एक चीज़ बताऊंगा। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना। अगर वीडियो पसंद आए तो यार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो गाइज, वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बात कर लेते हैं मॉडल की। तो ये है 2022 मॉडल और ये भी 2022 मॉडल है। तो अब बात करते हैं इनके इंजन और पावर की। तो इसका इंजन है 155 सीसी का और पावर है 18.4 पीएस की और टॉर्क है 14 न्यूटन मीटर का। तो गाइज, अब बात करते हैं इसके इंजन और इसकी पावर की। तो गाइज, इसका इंजन है 199 सीसी का और पावर है इसकी 24.5 पीएस की और टॉर्क है इसका 18.7 न्यूटन मीटर का। तो गाइज, अब बात कर लेते हैं इनकी गेयर की। तो गाइज, इसमें आते हैं 6 गेयर, इसमें भी आते हैं 6 गेयर। इसके गेयर हैं एक डाउन बाकी सारे अप, और इसका भी एक डाउन बाकी सारे अप हैं। ओके, तो गाइस, अब बात कर लेते हैं ब्रेकिंग की। तो दोनों में डिस्क ब्रेक आती है, इसमें भी डुअल डिस्क है, इसमें भी डुअल डिस्क है, डुअल चैनल एबीएस है इसमें, और इसमें भी डुअल एबीएस है। और गाइस, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इसकी ब्रेकिंग काफ़ी बेस्ट है और इसकी ब्रेकिंग इतनी बेस्ट नहीं है। आरएस की ब्रेकिंग इतनी अच्छी नहीं है, R15 V4 की ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं हेडलैम्प, इंडिकेटर और डीरेल्स के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले R15 V4 की बात करते हैं। इसका जो हेडलैम्प है वो LED है, DRLs भी LED है, और जो इसके इंडिकेटर हैं वो हेलोजन है, ये देख सकते हो आप। और गाइस, अब बात करते हैं RS की। तो इसके जो हेडलैम्प है वो हेलोजन है, DRLs LED हैं और इंडिकेटर भी LED हैं, ये देख सकते हो आप। और अब बात करते हैं नीचे इनके सस्पेंशन की। तो गाइस, ये आते हैं USD फॉक्स, ये पता ही होगा आपको कि R15 V4 में USD फॉक्स आते हैं। और जो RS 200 है इसमें टेलीस्कोपिक आते हैं। अब टेलीस्कोपिक बेस्ट है या USD फॉक्स बेस्ट है, या मुझे कमेंट में बताओ। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं कलर की। तो R15 V4 में आते हैं ब्लू कलर, रेड कलर, ब्लैक कलर और एक सिल्वर कलर। और गाइस, RS में काफ़ी हैं, रेड भी आता है, ब्लैक भी आता है, वाइट भी आता है, वो आप कंपनी जाके चेक कर लेना। और गाइस, अब बात कर लेते हैं इनके मिरर्स की। तो मिरर्स गाइस इसके काफ़ी बेकार लगते हैं, आप देख सकते हो, R15 के बेस्ट लगते हैं, देख लो पूरा मॉन्स्टर लगता है। और गाइस, अब मैं बात कर लेता हूँ इनकी पावर की। तो गाइस, R15 में पावर है बट RS 200 का मुकाबला नहीं है। पिकअप में ये आगे है और ये पीछे है, और टॉप एंड में ये मानती नहीं है और ये पीछे रह जाती है, बट पावर एक टाइप की आप सेम ही कह सकते हो, बट टक्कर पूरी देती है RS 200 को। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं इनके मीटर कंसोल की। तो गाइस, इसका मीटर कंसोल है डिजिटल प्लस एनालॉग, और गाइस उसका मीटर है वो फुल डिजिटल है, देख सकते हो आप। और गाइस, इसका मीटर का जो कंट्रोल है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ये आगे, और जो उसका कंट्रोल है वो वहाँ पे नीचे आपको दिख रहा होगा, इन्फो ट्रिप का स्विच होता है सबसे नीचे। और गाइस, अब बात कर लेते हैं इसके बटन्स की। तो गाइस, ये है इसका टिपर स्विच होता है जो, वो ये इंडिकेटर्स वाला, ये हॉर्न, ये सेल्फ और ये किल स्विच। अब गाइस, उसकी बात करते हैं। तो गाइस, इसमें किल स्विच और सेल्फ बटन एक ही है। ये इसका हैजर्ड बटन, ये है इसका टिपर वाला स्विच, ये है इंडिकेटर्स वाला, और ये है इसका हॉर्न। तो गाइस, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इसमें हैजर्ड स्विच कंपनी फिटेड नहीं आता है, इसमें आता है। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं इनकी टैंक की और इनके एवरेज की। तो गाइस, इसका टैंक है 13 लीटर का और इसका टैंक है 11 लीटर का। और गाइस, ये तो आपको पता ही है कितनी एवरेज देती है, ये 50-55 एवरेज आराम से निकाल के दे देती है, और ये जो एवरेज देती है 35-40 आराम से निकाल के दे देती है, कंपनी क्लेम करती है। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं इनकी टेल लाइट की। तो गाइस, टेल लाइट आपको इसकी भी LED मिल जाएगी, इसकी भी LED मिल जाएगी, यहाँ पे इसको भी लाइट आती है नंबर प्लेट के लिए, और गाइस इसको भी यहाँ पे लाइट आती है नंबर प्लेट के लिए। और गाइस, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, इसकी फेयरिंग है वो काफ़ी ज़्यादा है, आपको पता है गिरती है तो टूट जाती है, मेरे साथ हुआ है। तो गाइस, जो इसकी फेयरिंग है वो भी गिरती है, टूट जाती है, बट इसकी थोड़ी बच जाती है क्योंकि इसकी फेयरिंग कम है, इसकी फेयरिंग काफ़ी ज़्यादा है। और गाइस, फ्रंट लुक आप चेक कर लो किसकी बेस्ट है। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं इनकी कीज़ की। तो मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस, ये R15 V4 की, और अब मैं आपको RS की बताता हूँ। तो गाइस, ये है RS की, आपने देख ही लिया।
तो गाइस आपको लुक किसकी बेस्ट लगती है? लुक में मैं कंपेयर नहीं कर सकता, मैं पूरा एक सिनेमैटिक डाल दूंगा, आप मुझे बता देना कि लुक आपको किसकी बेस्ट लगी, क्योंकि सबकी अलग अलग चॉइस होती है, ये मैं पहले भी बोलता हूँ। तो मैं एक पूरा सिनेमैटिक डाल दूंगा, आप चेक कर लेना और मुझे कमेंट में बताना कि लुक किसकी अच्छी है। तो गाइस अब बात कर लेते हैं इनके मेंटेनेंस कॉस्ट की। तो गाइस इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी कम है, इसकी काफ़ी ज़्यादा है, ये आपको मैंने पहले भी बताया था कि इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। तो गाइस अब बात कर लेते हैं इनके प्राइस की। तो गाइस ये आपको पता है आर है 200 सीसी की बाइक है और इसका प्राइस है 210,000 तक, और ये R15 V4 155 सीसी का इंजन है इसका, और इसका प्राइस है गाइस 2.5 तक। अब आप मुझे बताना कि ये अपने सेगमेंट में बजट फ्रेंडली है या नहीं है, या वो बजट फ्रेंडली है या नहीं है, ये चीज़ मुझे आप कमेंट में बताओ। प्राइस तो मुझे इसका काफ़ी ज़्यादा लगता है, इसका कम लगता है। तो गाइस अब मैं आपको सुनाता हूँ इन दोनों का एग्जॉस्ट नोट, आप मुझे बताना कि किसका बेस्ट है। पहले मैं आपको आरएस का सुना देता हूँ। तो पहले जाते हैं इसके एग्जॉस्ट के पास। तो गाइस अब इसका एग्जॉस्ट नोट चेक करो आप। तो गाइस आपने आरएस का सुनी लिया, अब मैं आपको सुनाता हूँ R15 V4 का, चेक करो उसका। तो गाइस दोनों का एग्जॉस्ट मैंने आपको सुना दिया, किसका बेस्ट है वो भी मुझे आप कमेंट में बताओ। तो गाइस आज का ब्लॉग होता है यहाँ पे खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब, और वीडियो को करना अपने दोस्तों के साथ शेयर। सो अब मिलते हैं हम कल के ब्लॉग में, और तब तक स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हैप्पी।